So welcome again, friends. Let's start with problem number 5. The resultant capacitance between A and B in the following figure will be. Okay, the figure they have beta. Ye bhi simple ekdam. Oh, fine. E6. Sorry. Very simple. Problem number 6. प्रॉब्लम नंबर 6 ये ए दिया है, ए के बाद में ये 3, ये 3 माइक्रोफेरेड, ये भी 3 माइक्रोफेरेड, ये भी 3 माइक्रोफेरेड, यहाँ से 2 माइक्रोफेरेड, यहाँ से 2 माइक्रोफेरेड, इसके बीच में फिर से 3, यहाँ पे भी 3 और यहाँ पे भी 3, एकदम सिंपल है. हर एक का वैल्यू कितना है? 3 3 3 3 3. एकदम सिंपल है. और क्या पूछा है? रिजल्टेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी पूछा है. तो स्टार्ट करते हैं. अब इसके लिए क्या करेंगे? रिपीटेड का किया ना, इनफाइनाइट का वो भी आप इसमें यूज कर सकते हो. इनफाइनाइट का आपको फॉर्मूला बना के दिया था ना, वो भी यूज कर सकते हो, नहीं तो डायरेक्टली बना सकते हो. 3 3 3 ये कितना बना? 3/3, दैट इज 1. तो अभी सर्किट कैसे बना? ये 3, ये 3, ये 3, ये 3, ये भी 3 और ये भी 3 और इसको पैरेलल 1. ऐसा करते जाओ मन में, या आपको दिखाने के लिए मैं दिखा रहा हूँ, नहीं तो डायरेक्टली कर सकते हो. 3 1 का कितना आएगा? 4 आएगा. 3 1 का 4 आएगा. सो ये 3 3 4, सो 3 × 3 × 4 अपॉन 9 + 12 + 12, 36. सो 12/11 ये किसका हो जाएगा? ये सब मिला के. अभी 12/11 में ऐड करो 3, 45/11, ये हो जाएगा 45/11. अभी फिर से 3 × 3 × 45/11 अपॉन 3 × 45 ये पूरा आंसर करो. 9 × 45 / 11 ये कितना हो जाएगा? 9 + 2 × 135 / 11, 13 × 26, 270 हो जाएगा ना? 270/11, 99 + 270. डायरेक्टली क्या तो भी चलेगा, इसको डायरेक्टली करते हैं. ये इतना करने से बेहतर है ये सबको सी क्वेरेंट बनाने का और एक्स का वैल्यू निकालने का, वो भी आप कर सकते हो. अब समझ में है आपको? ये 3 3 3, तो इसका 1 हो जाएगा, 3 + 1 = 4, ये 4 ले लो, ये 3 3, ये क्या करो? इसका सिंपल आपको वे बताता हूँ. ओके, सिंपल वे में करते हैं उसको, इतना क्रिटिकल नहीं बनाते. इसको 1 बनाया तो अभी एकदम सिंपल है. थ्री प्लस 1 कितना है? 4 है. अभी ये 4 बन गया, तो 3 3 का पैरेलल निकालो. 3 3 का पैरेलल 3/2, 3/2 × 4 अपॉन 3/2 + 4 करो, तो ये मिल जाएगा आपको. ये 3 3 का पैरेलल 3/2 पहले से पैरेलल, मतलब सीरीज में वो पैरेलल कह सकते हैं, वो वैसे बनाओ. 2 × 2 = 4, हाँ. और ये कितना हो जाएगा? 3 × 2 = 6, 4 × 2 = 8 + 3 = 24/2,
सॉरी टू, ये अच्छा चलेगा। सो 12 by 2 है ना, 24, 12 by 24। देखो फिर से, 3 by 2 into 4 हाँ, अपॉन 3 by 2 plus 4, 3 by 2 into 4, 3 to 6, 3 by 2 plus 4, 4 to 8, 8 plus 3 हाँ सॉरी 8 plus 3 11, 11 by 2 सो 12 by 11 बराबर आ रहा है, उतना ही आ रहा है। मतलब ये शॉर्टकट पड़ा आपको अभी, 12 by 11 वैसे ही करने का, 12 by 11 plus 3 45 by 11, तो इधर तक मिल्क बन गया अपना 45 by 11। मतलब ये नहीं यार, अरे यार ये 45 by 11 इधर तक बन गया, और फिर से उसको क्या करो, 3 by 2 हो जाएगा। सो 3 by 2 into 45 by 11 अपॉन 3 by 2 plus 45 by 11 ओके, 3 45 2 45 3 135 अपॉन 22 डिवाइडेड बाय, ये कितना हो जाएगा नीचे 22 हो जाएगा, 33 plus 90, तो ये कितना बन जाएगा, इधर इधर देखो ये 135 अपॉन 22 मल्टीप्लाइड बाय 22 अपॉन 90 plus 30 120 123 हो जाएगा, 135 अपॉन 123। अरे ये तो, अरे यार वो गड़बड़ किया, ठीक है ठीक है, सॉरी सॉरी, ये 2 है, ठीक है अभी करो आप, ठीक है करते हैं फिर से, वेरी सॉरी, इसको मैं हटा भी नहीं, पॉज करता हूँ। ओके बेटा, मेरे को लगा मैंने पॉज किया है, ठीक है। सो यहाँ पे सी ए बी ये दिया आपको 1 माइक्रोफेरेड ओके, और आपको निकालने के लिए बोला है सी, तो पहले क्या करते हैं, छोटे छोटे जो दिए हैं ना उसका एक निकालता हूँ, ये इसका निकालना पड़ेगा और ये दोनों का मिला के निकालना पड़ेगा, तो आपका सर्किट कैसे बन जाएगा, ये दिख रहा है आपको, मैं चेक, नहीं दिख रहा है, ये एक और ये एक, उसका मिला के कैसे बन जाएगा, इसको बोलता हूँ मैं सी, इसके बाद ये 1, इसके बाद ये 4, 4 को ये पैरेलल, ये 6 और 12, सो 12 into 6 अपॉन 12 plus 6 72 18 4, ये 4 वैसे यहाँ पे 8 और यहाँ पे 2 2 कितना आता है पैरेलल, 2 2 पैरेलल 4, ये अभी 4 4
एट हो जाएगा, और एट फोर करते हैं, एट फोर अपॉन एट प्लस फोर 32, 12, 16 बाय 6, 8 बाय 3, तो ये बन गया 8, ये बन गया 8 बाय 3, तो 8 एंड 1, 8 इंटू 1 अपॉन 8 प्लस 1, दैट इज 8 वन जा 8 अपॉन 9, तो ये बन गया 8 बाय 9, ये बन गया 8 बाय 3, इनका एडिशन 8 बाय 9 प्लस 8 बाय 3, 3 3 जा 9 ना, 24 प्लस 8, 32 बाय 9 बराबर, ठीक है 32 बाय 9, और ये इसमें सी, तो एकदम सिंपल है, ये समझ गया अभी तक? ठीक है, तो अभी बन बन जाएगा 32 बाय 9, और वो सी, वो सीरीज में, मतलब कैसे आएगा, एक मिनट, ड्यू टू हैवी हीट, वो फैन भी ज़्यादा नहीं चला सकता ना, फैन का आवाज आएगा इसलिए नहीं चला सकता। सो सी इंटू 32 बाय 9 अपॉन सी प्लस 32 बाय 9 इज इक्वल टू 1, तो इसको ठीक कर देते हैं। सो 32 सी अपॉन 9 डिवाइडेड बाय 9 सी प्लस 32 अपॉन 9 इज इक्वल टू 1, तो 32 सी अपॉन 9 इंटू 9 अपॉन 9 सी प्लस 32 इज इक्वल टू 1। अब इसको इधर ले लो, सो आपका बन जाएगा 32 सी इज इक्वल टू 9 सी प्लस 32, 23 सी इज इक्वल टू 32, 32 बाय 23 कितना आ रहा है आपका आंसर, डी ऑप्शन है डी। देखो अगर आपको एक नहीं आ रहा है करने को तो फिर से मेरे को दे दो, मैं एक स्टेप बाय स्टेप आपको बना के दे दूंगा। चलो बेटा नेक्स्ट वीडियो को चलते हैं, मेरे को भी अब गर्मी से परेशान हो गया भाई, आज तो ज़्यादा ही हो गया, हर रोज कुछ प्रॉब्लम नहीं आता है, बट टुडे फाइंडिंग इट डिफिकल्ट। इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। तो बेटा व्हाट इज द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी, एकदम एकदम सिंपल है, करने का भी जरूरत नहीं एक्चुअली। प्रॉब्लम 8 दिखाना पड़ गया, एक देखता हूँ, अबे रेड पेन से दिखता नहीं बेटा, मेरे को रेड पेन नहीं यूज करना चाहिए, यूज ब्लैक ओनली। प्रॉब्लम 8 क्या दिया है, ए दिया है, ये 12 दिया है, ये कितना दिया है 8, ये 4, ये 4 और ये 16, 4 8 12 सी ए बी ना, सी ए बी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, कुछ नहीं है, 8 8 4, 8 × 4 अपॉन 8 + 4, बहुत बड़ा प्रैक्टिस होने वाला है आपका, हर एक प्रॉब्लम करो, 32 12, हाँ 8 by 3 ना, 8 by 3, ये 16 ये 12, 12 × 16 अपॉन 12 + 16 दैट इज इक्वल टू 12 6 72, 7 carry 12 on that 12 + 7 128। ओके ये दोनों का मिला हुआ 192 upon 28, ये बन गया 8 by 3, ये 4, तो 8 by 3 + 4 20 by 3, और 20 by 3 और 192 by 28, मतलब ये कैसे करेंगे, 20 by 3 मल्टीप्लाइड बाई 192 by 28 अपॉन, क्योंकि ये सीरीज में आएगा ना, इसलिए ये दोनों का मैंने इसलिए भी पहले निकाल के रखा, इसलिए 20 by 3 + 192 by 28, ये 10 14, ये 7, ये 5 3
64, ओके। यहाँ पे कितना आ गया न्यूमरेटर में, एक मिनट, सेवन बज गया, 5 4 20, 320/7 डिवाइडेड बाय, इसका कितना आएगा 20/3, ये इसको भी कर सकते हैं ना, ये कितना हो गया 64/7, तो नीचे आएगा 21। अरे यार सब पेन का भी प्रॉब्लम है सर, ऊपर जाएगा 2, 9 + 4, 13, 1, ओके। तो ये कितना बन जाएगा 166, और ये 160, 480/166 कितना आता है देखो। हाँ इसका अभी 240/71 बराबर है, इसका आधा करो ना, आधा कितना आएगा 83 आ रहा है, 240/83, चेक द कैलकुलेशन, कहीं तो गड़बड़ नहीं है ना। थ्री टू बराबर है, बराबर है 83। आप चेक करो कहीं इधर उधर आंसर है, 71 आ रहा है ना उनका, चेक करो एक बार, आंसर आ रहा है कितना आ रहा है 240/71, देखो जरा चेक करो, ये मेरा किधर तो गड़बड़ आ रहा है, इधर किधर तो मैंने कैलकुलेशन करते समय गड़बड़ किया, आप थोड़ा देखो, लेकिन आएगा आंसर, कुछ प्रॉब्लम नहीं। इसका सीरीज करने का, बाद में इनका पैरेलल, ये दोनों का सीरीज ऑलरेडी करके लेने का, और उसका इसके साथ सीरीज करने का, बस होगी, ओके। Let's go for problem number 9. What is problem number 9? We will look at the problem number 9. What is that? Okay. Problem number 9 is equivalent capacitance between A and B. एकदम सिंपल है, 2 मिनट में आ जाएगा, करने का भी जरूरत नहीं है एक्चुअली, डायरेक्टली बता देता हूँ आपको कितना है, 1 1 1 1 1, निकालो निकालो, आई थिंक आपने निकाला होगा अभी तक, 1 1 पैरेलल है, 2 1 1 2 2 1 2, 2 × 2 × 1/2 = 4 + 2 × 2 + 2 × 2 = 4, 4 + 2 = 6, 6 + 2 = 8, 1/2, so answer will be 1/2, that is 0.5 microfarad, okay। अभी लास्ट में 10th one भी एकदम इजी है, हाँ एक्चुअली आप कर सकते हो, दिखाने का जरूरत नहीं है, ओके, बच्चे की जान मत ले लो, ठीक है दिखाता हूँ, कुछ प्रॉब्लम नहीं, इधर ही दिखाता हूँ 10th one, देखो ये ऐसे है ना, इसको हटा देते हैं, ऐसे बनाते हैं इसको, और ये वन, ये इधर ए और इधर बी बना है, कितना 2 2 1 2 2 1, 2 2 का सीरीज कितना हो जाएगा 2 2 का 1, और 1 1 का पैरेलल 2, तो आंसर विल बी 2 microfarad, सो दैट्स ऑल फ्रेंड्स, ऐसे ही सब इतना प्रैक्टिस करो कि जिंदगी में कभी भी आपको कैपेसिटर का कोई भी प्रॉब्लम दिया, आपको याद रहना चाहिए लॉकडाउन के टाइम में कैपेसिटर का इतना प्रैक्टिस किया था कि बस, मतलब बहुत, कभी जिंदगी में भूलो मत इसको, ओके, आई विल ऑल्सो नॉट फॉरगेट इट।
ओके सो आई विल कॉल डे फॉर टुडे, टुमारो ऑल्सो वी विल कम विद द लॉट ऑफ प्रैक्टिस. मैंने जो बोला उसका बुरा मत मानो, लेकिन बेटा हमें भी अच्छा लगता है व्यूज़ मिल जाए तो. व्यूज़ मतलब व्यूज़ के लिए नहीं सिखाते, वो नहीं बोल रहा हूँ मैं. व्यूज़ मिल गया मतलब बच्चे देख रहे हैं, अगर व्यूज़ नहीं है मतलब बच्चे नहीं देख रहे तो किसके लिए करने का, इसीलिए मैं बोला. अदरवाइज यू आर ऑल आर माई टाइगर्स, डू वेल ओके. एंड अगेन ऑन संडे, अपकमिंग संडेज, वॉट एवर इट इज देयर, योर अगेन एग्जाम विल बी देयर. इन दैट एग्जाम ऑल्सो यू फ्लरिश विथ लॉट ऑफ कलर्स. ओके थैंक यू, गॉड ब्लेस यू.